नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गन्ना सट्टा ऑनलाइन के बारे में। किसान भाइयों, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप अपना गन्ने का नया सट्टा ऑनलाइन करना चाहते हैं, यानी कि नए सदस्य बनना चाहते हैं गन्ना समिति में, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप किस प्रकार से अपना जो गन्ना सट्टा का फॉर्म है ऑनलाइन किस प्रकार से ऑनलाइन करेंगे, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और आपको किस प्रकार से आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। सारी जानकारी आज की इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप आपको मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, बहुत सारे हमारे किसान भाई का कमेंट आ रहा था कि मोबाइल से गन्ना सट्टा ऑनलाइन करके दिखाइए, तो आज की वीडियो में आपको सारी जानकारी आपको मोबाइल से ही बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का जो गूगल क्रोम ब्राउज़र है उसको आपको ओपन करना है। उसके बाद आपको उसमें टाइप करना होगा canup.in। तो जैसे ही आप इसमें टाइप करेंगे canup.in, तो आपको इसे सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इसकी जो वेबसाइट है, मुख्य वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने कुछ इस तरीके से खुलकर आ जाएगी। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपको आने के बाद सबसे पहले आपको नीचे आना है थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा किसान भाई आंकड़े देखने के लिए, नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें। तो जैसे ही आप इस पर जो ब्लैक वाला ऑप्शन दिया गया है इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो दूसरा इंटरफेस है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से खुलकर आ जाएगा। तो किसान भाई, सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है और आपको यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है सेम आपको इस वाले बॉक्स में आपको फिल कर देना है। जो आपके सामने ये जो बॉक्स दिया गया है कुछ इस प्रकार का, इसमें आपको फिल कर देना है ये वाला जो कैप्चा आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। तो चलिए किसान भाई, हम जो कैप्चा है यहाँ पर जैसा सेम कैप्चा दिया गया है वैसा ही सेम यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो किसान भाई, आपको जैसा सेम कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर जो भी आपको दिया है वही आपको फिल करना है। तो हमने कैप्चा फिल कर दिया है। उसके बाद आपको सामने एक व्यू का बटन मिलता है, आपको व्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप व्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से खुल कर आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप अपना जो सिलेक्टेड डिटेल फिल करके अपनी डिस्ट्रिक्ट है, अपनी फैक्ट्री, अपना गांव और गिरोह का नाम सेलेक्ट करके अपनी डिटेल्स को यहां से वेरीफाई कर सकते हैं। आप अपने डेटा को चेक कर सकते हैं। अगर आप न्यू मेम्बरशिप यानी गन्ना समिति में आप नए सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एक्शन बटन का, तो आपको एक्शन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ तीन प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन मिल जाता है न्यू मेंबरशिप, उसके बाद रेवेन्यू डाटा और फाइल कंप्लेंट का। तो आपको सबसे पहले न्यू मेंबरशिप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको नया सट्टा ऑनलाइन करना है। तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ही आपको नया सट्टा वाला ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना होगा। तो हम न्यू मेंबरशिप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही न्यू मेंबरशिप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो नया गन्ना सट्टा का फॉर्म है कुछ इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाता है नई समिति सदस्य वर्ष 2022-23। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना जो ज़िला है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। आप जिस भी ज़िले के निवासी हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो ज़िला सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी जो समिति है गन्ना समिति वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। आप किस समिति में अपना गन्ना जो है आप डाल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत सारी समिति मिल जाएंगी आपकी फैक्ट्री से रिलेटेड। तो आपको अपनी समिति यहाँ से चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जो फैक्ट्री है वो यहाँ से आपको चूज़ करना है, आप किस फैक्ट्री में अपना गन्ना डालना चाहते हैं। तो आपको अपनी फैक्ट्री यहाँ से चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसके बाद किसान भाइयों आपको अपना जो गांव है वो सिलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी गांव के निवासी हैं तो यहाँ से हम अपना जो गांव है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। गांव सेलेक्ट करने के बाद आपको किसान का नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। किसान का जो भी नाम है आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर में फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपने जो पिता का नाम है वो यहाँ से आपको फिल कर देना है। पिता का नाम फिल करने के बाद आपको यहाँ से जो भी मोबाइल नंबर है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ से फिल कर देना है। मैं यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नंबर जो भी है डेबो के रूप में आपको बता रहा हूँ, आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर सही फिल कीजिए। उसके बाद आपको अपनी कृषि का क्षेत्रफल हेक्टर में फिल कर देना है। आपकी जितनी भी भूमि है वो आपको यहाँ से फिल कर देनी है। जैसे कि हमारी भूमि 1 हेक्टेयर है तो हम यहाँ पर 1 हेक्टेयर डाल देते हैं। उसके बाद आपको अपनी भूमि का जो आपकी जितनी भूमि है उसमें आपका अगेती पौधा जितना भी है जितने हेक्टेयर में वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो हमारा जो अगेती पौधा है वो यहाँ से हमारा 0.4400 है। उसके बाद हमारा जो सामान पौधा है वो यहाँ पर आपको डाल देना है।
अगर नहीं है आपके पास सामान पौधा तो आप जीरो भी फिल कर सकते हैं, और अगर आपके पास है तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने आता है शरद पौधा, अगर आपके पास है तो भी आप फिल कर सकते हैं, अगर अदरवाइज़ आप इसमें जीरो फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि किसान की शिक्षा क्या है, किसान 8 पास है, 10th पास है, 12 पास है, या फिर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट क्या है, तो यहाँ पर आपको डाल देना है जो भी किसान की योग्यता है। और उसके बाद आपको किसान की जो भी जाति है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, किसान किस जाति का है, OBC, SC, ST, जनरल जो भी है वो आपको इसमें फिल कर देना है। उसके बाद किसान की जो लिंग है, महिला है, पुरुष है, वो आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको किसान की उम्र आधार कार्ड के अनुसार आपको निकाल लेनी है, 20 साल, 25 साल, 30 साल जो भी है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, किसान की जो भी बैंक है वो यहाँ से चूज कर लेनी है, जो भी किसान की बैंक है। यहाँ पर बहुत सारी बैंक्स यहाँ पर दी गई हैं, बहुत सारे किसान भाई हमारे कह रहे थे कि हमारी बैंक नहीं आ रही है, तो आपको इस लिस्ट में स्टेप बाय स्टेप कुछ इस तरीके से सर्च करना है, क्योंकि बहुत सारी बैंक ऐसी हैं जो शॉर्ट फॉर्म में दी गई हैं। तो आपको यहाँ से अपनी जो बैंक है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको अपनी जो बैंक शाखा है ऑटोमेटिक यहाँ पर मिल जाएगी, बैंक जो भी आपकी बैंक यहाँ से आपने चूज की है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपकी जो शाखा है ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर शाखा नहीं आती है तो आप थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सर्वर की भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है जिससे यहाँ पर ऑटोमेटिक शाखा नहीं आ पाती है। उसके बाद किसान भाइयों आपको अपना जो बैंक खाता संख्या है इसमें फिल कर देना है, जो भी आपका बैंक खाता संख्या है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जो किसान की फ़ोटो है वो यहाँ से आपको JPG फॉर्मेट में चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको ले लेनी, जो भी आपकी फ़ोटो यहाँ पर रखी गई है आप यहाँ से कैप्चर भी कर सकते हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं, और आप यहाँ से अपनी फ़ाइल में से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने जो बैंक खाता संख्या है वो भी आपको JPG फॉर्मेट में, आप अगर आपने अपना बैंक खाता अगर आपने फ़ोटो खींच अपने मोबाइल में कैप्चर कर रखा है तो आप उसे क्रॉप करके भी यहाँ से लगा सकते हैं, यानी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बैंक खाता वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर, और सेम प्रोसेस वही रहेगा, आपको यहाँ से अटैच कर देना है। उसके बाद आपको अपनी जो खतौनी है, खतौनी आपको अगर नहीं निकालना आती है तो उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से चेक करके अपनी खतौनी भी निकाल सकते हैं। और उसके बाद आपको खतौनी का जो फॉर्मेट है आपको PDF फॉर्मेट रखना है, क्योंकि PDF फॉर्मेट में ही आपकी खतौनी यहाँ से अपलोड होगी। यहाँ पर चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और PDF फाइल को सिलेक्ट करके आप यहाँ से खतौनी लगा सकते हैं। उसके बाद आपका आता है फ़ोटो पहचान पत्र, तो फोटो पहचान पत्र में आप अपना आधार कार्ड यहाँ पर अटैच कर दीजिए, आधार कार्ड की फ़ोटो कापी आपको अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेनी है, और उसके बाद आपको JPG फॉर्मेट यहाँ पर अपलोड कर देनी है। सेम प्रोसेस वही है आपका फ़ोटो पहचान पत्र भी अपलोड करने का। और उसके बाद आपका आता है घोषणा पत्र, यानी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इसमें आपको क्या करना है, घोषणा पत्र आपको यहां से डाउनलोड करना होगा, जो कि दोस्तों नीचे दिया गया है, यहां से दोस्तों आपको यहां पर दिया गया है ब्लैक रंग के घोषणा पत्र, यहां से डाउनलोड करें। तो आपको जो घोषणा पत्र है यहां से डाउनलोड कर लेना है और घोषणा पत्र को फिल कर लेना है। फिल करने का भी प्रोसेस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है कि आपको किस प्रकार से फिल करना है, आप उस वीडियो को देख भी सकते हैं, चैनल पर मेरी अपलोड की गई है। उसके बाद आपको उस घोषणा पत्र को अपने मोबाइल फ़ोन में कैप्चर कर लेना है, फ़ोटो उसका जो है कैप्चर कर लेना है, और JPG फॉर्मेट में आपको यहाँ से चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके घोषणा पत्र को भी यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आपको आता है साधन, कि आप अपना जो गन्ना है किस माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं। तो आपका 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं, कार्ट 18 क्विंटल का, कार्ट 9 क्विंटल का यानी बैलगाड़ी 9 क्विंटल की, आपकी ट्रॉली 27 क्विंटल की, ट्रॉली 36 क्विंटल की, ट्रॉली 45 क्विंटल की, और ट्रॉली 54 क्विंटल की। तो आपको यहाँ पर जो भी आपको उचित लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपकी ट्रॉली 72 क्विंटल, 63 क्विंटल और 81 क्विंटल तक की है, तो आपका जो भी उचित लगे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्रॉली 54 क्विंटल सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ट्रॉली 54 क्विंटल की यहाँ पर आपको ज़्यादातर मान हो जाती है हर सेंटर पर। और यहाँ पर दोस्तों आपको गन्ना आपूर्ति केंद्र आपका जो भी है यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका अपना जो सेंटर गन्ना है वो सेंटर पर डालना चाहते हैं या फिर गेट पर डालना चाहते हैं। तो आपको सारे सेंटर और गेट यहाँ पर मिल जाते हैं, अगर आप गेट पर डालना चाहते हैं तो ऐट गेट चूज कर लीजिए, अगर आप सेंटर पर डालना चाहते हैं तो यहाँ पर सेंटर्स दिए गए हैं, आप अपने सेंटर यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको आता है नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, यहाँ से डाउनलोड करके उसे आपको अपलोड करना है, मैंने आपको बता रखा है।
उसके बाद आपको यहाँ पर जो टिक दिया गया है इस तरह से आपको यहाँ पर टिक करना है, और टिक करने के बाद आपको इस फॉर्म को यहाँ से कुछ इस प्रकार से सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो यहाँ आपको आपको यहाँ पर नोट करके दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन के 4 दिन के अंदर सारे अभिलेखों के साथ अपनी जो समिति है उससे संपर्क करके 221 रुपये सदस्यता शुल्क जमा कीजिए और अपना जो नई समिति का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट कीजिए। तो आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन यहाँ से करके आपको जो फॉर्म प्रिंट निकलेगा उसको आप प्रिंट करवा कर किसी पास की दुकान से, और ये जो आपकी खतौनी है, आधार कार्ड है, ये सारे डॉक्यूमेंट लगाकर आपको जहाँ भी जो भी आपने समिति अपनी चूज की है गन्ना समिति उसमें आपको जमा करना होगा, यानी आपको अपनी फैक्ट्री में जमा करना होगा। उसके बाद ही आपका जो सट्टा है वो ऑनलाइन आपके पोर्टल पर चढ़ेगा, वरना आपका जो सट्टा है 4 से 5 दिन के अंदर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और मान्य नहीं होगा। तो ये था दोस्तों प्रोसेस मोबाइल से ऑनलाइन करने का। अगर दोस्तों आपको इसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आऊं और आपकी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है आपको बता सकूं। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में सारी जानकारी अच्छे समझ में आई होगी। फिर भी दोस्तों अगर आपका कोई भी कॉमेंट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो लेकर आऊँ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच, टाटा बाय, शुक्रिया।